हरे कृष्णा। सो आप सबका स्वागत है। भगवत गीता पढ़ने के क्या क्या नियम हैं? मैं तो गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैं तो विद्यार्थी हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ? मैं तो कृषि कार्य करता हूँ, तो क्या मैं भगवत पढ़ सकता हूँ? क्या बिना नहाए मैं भगवत पढ़ सकता हूँ? क्या मैं सोते हुए गीता को पढ़ सकता हूँ? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं इस परिस्थिति में भगवत गीता पढ़ सकता हूँ। मेरे घर में किसी का जन्म हुआ है, सूतक लग गए हैं, किसी की मृत्यु हुई है, अपवित्र हो गया स्थान, तो क्या उस परिस्थिति में अभी मैं भगवत गीता को पढ़ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से हम गीता का ज्ञान किसी भी परिस्थिति में हम पढ़ सकते हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। कि ये जो गीता का ज्ञान है, ये क्या है? परम शुद्ध है, परम गुह्य है। ये क्या है? ये सारे ज्ञानों का राजा है, राज विद्या राज गुह्यम। तो इसको हर परिस्थिति में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि जब गीता को हम हाथ में लें तो प्रयास करें कि हम स्वच्छ होके लें, नहा धो के लें उसको। लेकिन अगर वो संभव नहीं है आपके लिए, जैसे जो बड़े बड़े शहर में है, कभी कभी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, अब पानी आया ही नहीं तो नहाए कैसे? अब पानी नहीं आया एक दिन तो एक दिन गीता ही नहीं पढ़ेंगे, नहीं। तो हम ऐसे ही कुछ छींटे मार के अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं और गीता को हाथ में लेके पढ़ सकते हैं। सो प्रायोरिटी हमारी क्या है? गीता को पढ़ना। बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करेंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है? भगवद गीता का अध्ययन करना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, भगवद गीता तो संस्कृत में लिखी गई है और संस्कृत में जो श्लोक हैं उनको हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ने में गलतियाँ होंगी, हम उनको अच्छी तरह से नहीं दोहरा पाएंगे, तो इसीलिए क्या होगा, उसका हमें पाप लगेगा फिर, और पाप हम चाहते नहीं, इसी वजह से हम क्या करेंगे, भगवद गीता ही नहीं पढ़ेंगे। कितना अच्छा बहाना है कि इस जन्म में तो हम संस्कृत सीखने नहीं वाले, है ना, क्योंकि प्रयास ही नहीं करेंगे कभी। ऐसा तो है नहीं रात को सोएंगे और सोते सोते सारा ज्ञान हमारे अर्जन आ गया और सुबह जैसे ही उठे और भगवद गीता के श्लोक पर श्लोक बोलते जा रहे हैं, हम संस्कृत का ज्ञान हो गया ना, संस्कृत हम सीखना चाहते हैं और बहाना बना के हम कहते हैं कि नहीं भगवद गीता मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आते नहीं और संस्कृत में कभी सीखना नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है? हम भगवद गीता पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ये सब बहाने हम ढूंढते हैं कि गीता हमें पढ़नी ना पड़े। तो अच्छा है अगर संस्कृत सीखते हैं उसके बाद गीता को पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती तो भी हमें भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। अगर हम संस्कृत को सही तरह से उच्चारण नहीं भी कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसका पाप नहीं लगेगा हमको, क्योंकि ये जो क्या है, श्लोक है और जो वेदों में मंत्र दिए गए हैं, तो वेदों में मंत्र को अगर हम थोड़ा सा भी उसमें त्रुटि हो जाती है तो उसका जो परिणाम है वो विपरीत आ जाता है। लेकिन ऐसा श्रीमद् भागवतम और जो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक हैं उनके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम पढ़ेंगे, अगर गलत भी उच्चारण कर रहे हैं तो भी कोई समस्या नहीं है उसमें, हमें प्रयास करना है। एक भक्त हैं, वो रसिया से हैं, तो उन्होंने कभी भी संस्कृत छोड़ो हिंदी को भी कभी नहीं सुना ना जाना। जब उनको किसी ने भगवद गीता की कॉपी दी तो जो पहला श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच, यहां से शुरू होता है भगवद गीता का पहला श्लोक, तो बता रहे थे कि पहला जो धृतराष्ट्र वर्ड है ध्र, पहले दो दिन तक तो खाली वो ध्र बोलते रह गए, उसके आगे उन्हें बोला ही नहीं गया। तो पूरी भगवद गीता को पढ़ने में उनको 2 साल लग गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गीता को पढ़ा। हमारे साथ ऐसी समस्या है भी नहीं भारत देश के अंदर, हम तो आसानी से हिंदी तो कम से कम जानते हैं, लेकिन जो रशियन है ना उनको इंग्लिश अच्छी तरह से आती, हिंदी तो दूर दूर तक सुनाई नहीं उनका कुछ, संस्कृत तो भूल जाओ, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करते करते आज वो इतनी अच्छी हिंदी बोलते हैं, इतनी अच्छी संस्कृत बोलते हैं। तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, अगर हमें संस्कृत नहीं भी आती तो भी हमें पढ़ना है। ये बहाना नहीं बनाना कि नहीं संस्कृत नहीं आती, अगर मैं गलत पढ़ूंगा तो क्या होगा, मुझे पाप लगेगा, नहीं, ऐसा कोई पाप नहीं लगेगा। संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती, हम उसे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं,
कोई कहे मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, तो जो श्रीमद् भगवद गीता की कॉपी है विश्व के लगभग 80 भाषाओं में उपलब्ध है, तो ये भी बहाना नहीं चलेगा। मेरे पास समय नहीं है, समय निकालिए, मैं अपवित्र स्थिति में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप भगवद गीता को पढ़िए, कपड़े लपेट के पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। ऑडियो सुनिए, फ़ोन में सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर सकते हैं, तो गीता का ज्ञान इतना ज़रूरी है कि ये किसी बाहरी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करता। एक होता है हायर प्रिंसिपल, एक होता है लोअर प्रिंसिपल, सो मैनी प्रिंसिपल्स आर देयर, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन कभी कभी हम दो सिद्धांतों के बीच में फंस जाते हैं कि अगर मैं इसको सिद्धांत को फॉलो करता हूँ तो ये ब्रेक होता है, दोनों को मैं फॉलो कर ही नहीं सकता। कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें, हमें जो उच्च सिद्धांत है, जो हायर प्रिंसिपल है, उसको फॉलो करना है, और लोअर प्रिंसिपल उसमें ब्रेक होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो लोअर प्रिंसिपल को फॉलो करने के चक्कर में हमारा हायर प्रिंसिपल ब्रेक हो जाए। तो जो शुद्धता का प्रश्न है कि हम शुद्ध नहीं हैं, तो भगवद गीता पढ़ने की तुलना में वो लोअर प्रिंसिपल है। हायर प्रिंसिपल क्या है, भगवद गीता को पढ़ना, तो अच्छा है अगर हम दोनों प्रिंसिपल फॉलो कर पाए तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर लोअर प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है हायर प्रिंसिपल फॉलो करने के चक्कर में, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर लोअर प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं और हायर प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है तो दिक्कत है। तो इसीलिए भगवद गीता पढ़ना आवश्यक है, और जो बाहरी परिस्थितियां हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, दे आर लोअर प्रिंसिपल्स। अगर वो कर पाते हैं हम उनको साथ में तो अच्छी बात है, अगर परिस्थितियां ऐसी हैं कि नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवश्यक क्या है हमारे लिए, भगवद गीता का नित्य रूप से अध्ययन करना और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई किया कि मैं आपकी ही बात मानूंगा, आप जो कह रहे हो भगवद गीता में, उसी तरह हमको भी गीता को पढ़ना है और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना है कि भगवान जो आपने बोला है मैं उन्हीं वचनों को, उन्हीं कार्यों को अपने जीवन में करूंगा। ये भगवद गीता का सार है। तो इसीलिए भगवद गीता के पढ़ने के पीछे इतने सारे कोई नियम नहीं है, जैसे भी जब आपको समय मिले, जैसी परिस्थिति में आप हो उसको पढ़ें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें, तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666-839-839।